अभी तक हम इंडिविजुअल बिहेवियर्स की बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल स्टेमलाई को किस तरह से रिस्पोंड करता है और उसके रिज़ल्ट में क्या बिहेवियर प्रोड्यूस होता है अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल बिहेवियर्स की कि एक सोशल सेटिंग में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और क्या चीज़ जो है वो अप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है तो सोशल बिहेवियर में मेनी स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स एंड मोस्ट वर्टिब्रेड शो अ वैरायटी ऑफ होस्टाइल और फ्रेंडली बिहेवियर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विदर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इस पूरे फिनमिनन को इस बिहेवियर पैटर्न को हम क्या कह रहे होते हैं सोशल बिहेवियर अब सोशल बिहेवियर में क्या हो सकता है कि होस्टाइल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं और फ्रेंडली बिहेवियर भी हो सकते हैं तो ये दो टाइप्स हैं जो सोशल बिहेवियर की होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे अब पहली जो टाइप है दैट इज होस्टाइल Uh, and helpful intraspecific interactions के uh, hostile interactions क्या होती हैं और helpful interactions क्या होती हैं अब हम यहाँ पर example ले रहे हैं एक honey bee का जो hive है उसकी उसमें हॉस्टाइल इंटरैक्शन क्या हैं कि जो ओल्ड वर्कर बीज हैं दे आर किल्ड बाय वंस वो वर्कर बीज जो दे कैन नॉट वर्क एनी मोर और वो बूढ़ी हो चुकी हैं एंड दे आर जस्ट रिलाइंग ऑन यंग वर्कर बीज के वो काम भी करें खाना भी लेके कर आए सब कुछ करें तो यंग वर्कर बीज क्या करती हैं कि उनको मार देती हैं मार देती हैं तो दैट इज़ अ अस्टाइल इंटरेक्शन बिटवीन लाइक टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी और टू मोर देन टू मेंबर्स ऑफ़ द सेम स्पीशी ऑन द अदर हैंड सेम उसी हाइव के अंदर जो है काफ़ी सारी हेल्पफुल इंटरेक्शन्स भी हो रही होती हैं अब हेल्पफुल इंटरेक्शन कैसे हो रही होती हैं कि हाई, उस हाइव के अंदर डिफरेंट बीज ने डिफ़रेंट काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं अब वर्कर्स क्या हैं वर्कर्स क्या करती हैं कि दे कलेक्ट नेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू हनी ये उनका काम है पक्का उसके साथ जो ड्रोन्स हैं यानी जो मेल बीज हैं उन्होंने एग्स को फर्टिलाइज़ करना होता है और जो क्वीन हैं उन्होंने आ, क्वीन एक ही होती है जूली एक हाइव के अंदर उसने जितने भी एग्स हैं वो ले करना क्वीन का काम है तो ये सारी हेल्पफुल इंटरेक्शंस हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर है उन्होंने अपने काम बांटे हुए हैं और वह खुशी से अपने सारे काम करे होते हैं अब एनिमल सोसाइटी बेसिकली हम कहते हैं किसी को अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसी दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर इन डिफरेंट वेज इज़ कॉल्ड जो है सोसाइटी और ये जो बिहेवियरल इंटरेक्शन है इट्स अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर होगा ही तो ये एक सोसाइटी कहलाएगी अब अगर हम एनिमल सोसाइटी की एग्जाम्पल्स ले लें तो हमारे पास क्या हैं कि हाइव ऑफ बीज अ पैक ऑफ वुल्वस एंड अ स्कूल ऑफ विशेज दे ऑल आर एनिमल सोसाइटीज़ अब एक वेल well, अब एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या हैं वो ये हैं कि दे इंक्लूड कॉपरेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट एनिमल्स के उन्होंने कॉपरेट करना है एक दूसरे के साथ और साथ उन्होंने डिविजन ऑफ लेबर की हुई है ऑफ़ डिफरेंट सेक्सेस एज ग्रुप्स और कास्ट के डिफरेंट सेक्स का हो सकता है डिफरेंट काम हो डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हों इस तरह से उनके अंदर इन बेसिस पे डिवीज़न ऑफ़ लेबर हुई होती है दे आर स्पेशलाइज फॉर फाइंडिंग फूड कुछ जो है वो दे आर रिजर्व फॉर रिप्रोडक्शन एंड रियरिंग के उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है और जो यंग वंस हैं उनकी देखभाल करनी है और कुछ जो हैं वो हो सकता है इसलिए मुख्तस हों कि उन्होंने इस पूरी हमारी सोसाइटी का दफा करना है डिफेंस करना है हमें प्रिडेटर्स के ख़तरे से बचाना है तो ये डिविज़न ऑफ लेबर होती है सोसाइटीज़ में और ये जब तक करेक्टरिस्टिक नहीं होता तब तक हम एनिमल एक ग्रुप को सोसाइटी नहीं कहते अब हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से एक सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होती है लेकिन वर्ड एक ग्रुप के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो उससे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एन एग्रीगेशन अ सिंपल एग्रीगेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट मे बी टुगेदर बट दे डू नॉट इंटरैक्ट बिहेवियरली कि वो एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे पे रिलायंट नहीं है उस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेवियरली इंटरेक्ट नहीं कर रहे उनमें डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नहीं करती जैसे कि बर्ड्स का एक फ्लॉक है वो फ्लॉक ज़रूर है लेकिन वो एक दूसरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहे बस वो इकट्ठे उड़ रहे हैं उन्होंने अपने काम ख़ुद ही करने हैं जीब्राज़ का एक ग्रुप है बफलोज़ हैं ये एक ग्रुप्स में ज़रूर रहते हैं एक जगह पे लेकिन दे आर कॉल्ड एन एग्रीगेशन दे आर नॉट अ सोसाइटी सोसाइटी में बिहेवियरल इंटरेक्शनस मस्ट होती हैं